Namaskar. Welcome to another episode of Cultural Journey with Manushi, Sanskritik Safar Manushi ke saath. Aaj hamare saath studio mein maujood hain suprasiddh tabla vadak Pandit Ashish Sen Gupta ji, jo ke Banaras gharane se sambandh rakhte hain. Desh videsh mein Bharatiya shastriya sangeet ko logo tak pahunchane mein inka aur inki sanstha ka bahut bada haath hai. आइए आशीष जी से बात करते हैं और उनके सांस्कृतिक सफर पर चलते हैं. नमस्कार आशीष जी. नमस्कार. वेरी वेलकम टू अवर स्टूडियोज. थैंक यू. मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, आपके इस सांगीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली बचपन में हमारा जन्म ऐसे घर में हुआ था जहाँ पढ़ाई के साथ संगीत भी एक अनिवार्य कर्म माना जाता था. मतलब आप पढ़ाई करें, जो भी कुछ करें, दैनंदिन जीवन जैसे भी आप चलाएं, लेकिन साथ में म्यूज़िक बहुत आवश्यक माना जाता था. और मेरे पिताजी माताजी दोनों ही कोई भी प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन हमारे घर में काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिस्टों को आर्टिस्टों का आना जाना, मेरे पिताजी के साथ सबका दोस्ती था. बड़े बड़े कलाकार सब हमारे घर में आना जाना करते थे, उनके साथ बहुत अच्छा एक संबंध था. उनके मान्नाडे वगैरह सब आते थे हमारे घर में, और आमिर खान साहब और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा रेगुलर आते थे. कलकत्ता के बहुत मशहूर तबला वादक उस्ताद करामतुल्ला खान साहब और भी सब उस टाइम जो थे, नाटू बाबू, हीरो बाबू, ये सब हमारे घर में रेगुलर आते थे. और हमारा एक प्रोग्राम चलता था घर में, उस प्रोग्राम में काफ़ी भीड़ भी होता था, बहुत लोग बाग आते थे. घर में उतना जगह नहीं होता था तो लोग माइक लगा देते थे, वो जो पहले लंबा वाला माइक होता था, लोग बाहर रास्ते में बैठ के सुनते थे और वो रात भर चलता था. तब वो ये सब कंप्लेन भी नहीं था कि वो डेसिबल, इतना डेसिबल के ऊपर आवाज़ चला गया, रात 11 बज गया, जो पड़ोसी होते थे वो सारे सब आ जाते थे, वो भी सुनते थे. और मतलब एक अलग ही माहौल था. उस घर में मेरा जन्म हुआ तो हम बचपन में यही सुन रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं हमारे घर में, खाना चल रहा है हमारे घर में, म्यूज़िक चल रहा है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई हो रहा है लेकिन ये भी चल रहा है. तो कभी कभी मम्मी थोड़ा सा सोचती थी कि एग्ज़ाम है इस टाइम, ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन डैडी बोलते थे साल भर क्या किया. साल भर जब पढ़ाई किया तो आज डरने का क्या है, कल एग्ज़ाम है तो कौन सा ये हो गया, तुमने पढ़ाई किया ना, चलो कोई बात नहीं, आओ बैठो. और हम लोग से वो खाना परोसना, चाय लाना, ये सब हमसे करवाया जाता था, क्योंकि ताकि हम उनसे आशीर्वाद लें और उनसे हम करीब रहे, उनका आशीर्वाद, उनका जो एक वाइब्रेशन वो हमें मिले, ये पिताजी का बहुत मतलब अहम एक उनका सपोर्ट था हमारे लिए, हमारे परवरिश के लिए सांगीतिक जीवन में. तो इस तरह से आपकी जो शौक़ जो होता है वो पैदा हुआ बिल्कुल बचपन से ही. बचपन से ही. और जाने अनजाने में क्या हुआ पता नहीं, ताल को इतना अच्छा लग गया. अच्छा. कि जब कभी ऐसा भी होता था ना, बहुत छोटा था जब, मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब बहुत छोटा था तो कितने देर तक कोई बच्चा सुनेगा या बैठेगा, तो दूसरे कमरे में जाके तो पलंग के ऊपर हम तबला बजाते थे. अच्छा. तो वो कई आर्टिस्टों ने कोई रेस्ट रूम में जाते हुए या किचन में जाते हुए हमें देख लिया कि अरे ये तो ये लगे है अपने आप, मैं एकदम आग बंद करके मैं भी तबला बजा रहा हूँ, उस कमरे में चल रहा है मैं भी बजा रहा हूँ. तो ये नोटिस करके डैडी को बोले थे अरे इसको तबला सिखाऊं. और एक आर्टिस्ट तो थे, वो बोले उनके उनके बच्चे नहीं थे तो उन्होंने बोले थे इसको हमें दे दो. अच्छा, हम अच्छा. इसको ले लेंगे, गोद लेते हैं और हम इसको अपने बच्चे जैसा पालेंगे. तो तब मेरा 1-2 साल का उम्र था. जी, तो जी. मम्मी बोले नहीं नहीं हम दे नहीं सकते आपको, नेचुरली कौन मम्मी थी. तो एनी वे तो पढ़ाई भी चलता रहा और हम सब शुरुआत में. जी, तो आपने बिल्कुल फॉर्मली तबले की शिक्षा आपकी कैसे शुरू हुई? फॉर्मल शिक्षा ऐसे शुरू हुई कि सबसे पहले तो हम सुन सुन के बजाना ही शुरू कर दिया था. जी जी. तो हम जो मतलब वो पड़ोसी वाले से कोई छोटे मोटे दीदी या दादा कोई आते थे गाना गाते थे हमारे घर में, तो कोई भी आते थे स्वागत होता था, चलो थोड़ा हारमोनियम निकालो, अरे तानपुरा निकालो, चलो तबला निकालो, अरे सुन तू बैठ जा, चल बजा तबला. तो मैं बैठ जाता था और मैं ठेका बजाता था. लेकिन
वो मूर्ख था। अब उस टाइम क्या समझे, हम तो सोचते थे हम खूब बजा रहे, अरे शाबाश खूब, अब मतलब फास्ट भी बजा रहे, स्लो भी बजा रहे, जो भी वो सब लाइट म्यूज़िक का था या लाइट क्लासिकल का था, वो सब हम बजाते थे। तो सीखने के पहले मेरा हाथ तो चलना शुरू हो गया था जी। तो लेकिन एक रुझाव था उसमें, मैं तो तबला लेके बैठना, तबला लेके उसको नर्चर करना, सुनना क्लासिकल म्यूज़िक जब होता था उस टाइम रेडियो में, और एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूज़िक होता था सैटरडे को, वो डेढ़ घंटा हम शनिवार के रात को, और शुरू शुरू में वो लाइव होता था जी। तो हम लोग सुनते थे सब बैठ के, मतलब जैसा वो पूजा पाठ में जैसा बैठते थे वैसा रेडियो सामने होता था ट्रांजिस्टर, और हम लोग सब बैठ के, हम लोग तीन भाई थे और डैडी मम्मी सब बैठ के हम सुन रहे हैं। 11 बजे ख़त्म होता था, 9:30 से 11 जी, मुझे याद है वो दूरदर्शन पे बाद में जो होता था, बाद में फिर दूरदर्शन में भी चालू हुआ, तो रेडियो का वो सुन के, तो बचपन से माहौल ऐसा मम्मी डैडी ऐसा दिया घर में, और इतना उसमें इंटरेस्ट पैदा कर दिया अपने में कि हमें कभी लगा ही नहीं कि कोई कोई एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहा हूँ, मतलब वो हाँ ये भी एक रेगुलर एक रोज का, ये भी एक हमारा जीवन का ये भी आधार है जिसको लेके चलना है। तो करते करते फिर पढ़ाई भी चलता रहा, पढ़ाई चलता रहा, तो एक टाइम आया तो मैं काफ़ी वो नॉवेल्स, उसके बाद बायोग्राफीज़, ये बहुत पढ़ता था मैं जी, जी। और डैडी मतलब हमारे घर में सबसे ज़्यादा पढ़ाकू थे, वो मोटे से मोटे किताब एक रात में ख़त्म कर देते थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। तो मेरे लिए भी ऐसा हुआ कि मुझे भी देख देख के मुझे भी थोड़ा शौक हो गया था, चलो हम भी पढ़े। तो हम पढ़ते थे जो हम लोग के एज का जो बुक होता था वो हम पढ़ते थे, हमको भी ला के देते थे बुक। ऐसा करते करते फिर उन्होंने मुझे बायोग्राफी देना शुरू कर दिया, भी बड़े बड़े आर्टिस्टों का मिलता था कुछ, और साधु संतों का बायोग्राफी देते थे वो हमको। तो वो पढ़ते 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 फिर एक बार बंगाल में एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं, राइटर हैं, शंकर का एक किताब है, वो 13 वॉल्यूम में है, भारतेर साधक बंगला में, तो वो हमको ला के दिया एक बार। तो वो मैंने पढ़ा तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, कि साधना हो तो ऐसा ही होना चाहिए, सब भूल के और सब कुछ छोड़ के होना चाहिए साधना। तो फिर मेरा मन उस तरफ चला गया कि मुझे बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे सीरियस होना चाहिए, मुझे अब थोड़ा बाहर से क्या उम्र रही होगी आपकी। हाँ, उस टाइम मैं क्लास 9 में था। अच्छा, 13-14 साल की उम्र, बस वही था। तो मैं समझ गया था आप खेलने में ना टाइम वेस्ट करके आप थोड़ा सा साधना में लग जाओ। तो उस टाइम से मैं फिर एक घर की तरफ मेरा मन हो गया, फिर मैं प्रैक्टिस बढ़ा दिया, प्रैक्टिस करता था, सोचता था, म्यूजिक सुनता था, और बचपन से हमको पूजा पाठ सिखवाए थे बाबा डैडी, तो पूजा पाठ करना भी एक काम था। तो एक घर में ही मेरा जीवन ज़्यादा बीतता था, मैं टहलने के लिए बाहर जाता था, खेलने के लिए नहीं जाता था। तो उस उम्र में से मैं थोड़ा सीरियस बन गया था। जी, जी, जी। ये सब देख के फिर डैडी हमको तो सीखना तो शुरू हो ही गया था डैडी से, एक 5 साल की उम्र में। आपको सिखाते थे? हाँ, 5 साल की उम्र में डैडी सिखाना शुरू कर दिया था, तो हम सीखते थे और बजाते थे। लेकिन डैडी देखिए क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है एमेच्योर, एक होता है प्रोफेशनल। तो डैडी नाटू बाबू से सीखे थे, लेकिन मन से तो एमेच्योर थे ना, उनका प्रोफेशन अलग था, तो उनके मन में वो नहीं था। तो वो जो प्रोफेशनलिज्म, तबला वादक नहीं थे लेकिन वो अलग प्रोफेशन में थे। अच्छा। वो उनका तो, लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब जब हमको तबला सिखाए थे तबला वादक बनाने के लिए नहीं सिखाए थे, क्योंकि उनको हमारे पूरे परिवार में संगीत तो था। जैसे मेरे ताऊ जी एक वो पखावाज के एग्रेड आर्टिस्ट थे उस टाइम, लेकिन वो नौकरी करते थे, नौकरी करके फिर पखावाज में एग्रेड आर्टिस्ट थे। तो और मेरे दादाजी जो थे वो ध्रुपद गाते थे। अच्छा। वो गोपेश्वर बंदोपाध्याय जी के उनके वहाँ वो सीखे थे। तो ध्रुपद, पखावाज, उसके बाद मेरे डैडी का तोरा ख्याल भी गाते थे, और राग प्रधान गाते थे, भजन बहुत सारा गाते थे डैडी, और तबला भी बजाते थे। लेकिन मेरा तबले में रुझाव था, गाने में उतना नहीं था। जी, तो जी। मैं फिर तबला। तो आपके फिर गुरु कौन रहे, आपके पिताजी से आपकी शिक्षा की शुरुआत हुई? पिताजी श्री रंजीत कुमार सेनगुप्ता, उनसे हमने फिर तबला सीखना शुरू किया।
और मेरा 5 साढ़े 5 साल का उम्र था उस टाइम। सीरियसली तबले का लेसन, तबले का कॉपी वो लिख लिख के देना, उसको प्रैक्टिस करना, हर हफ्ते में उनको दिखाना। क्या बात है। और लेकिन उस उम्र में मेरा इतना मतलब अटेंशन नहीं था जो क्लास 9 में आके मेरा अटेंशन बढ़ गया था। तो ये जब देखा कि मेरा मैं सीरियस हो गया, तो उन्होंने फिर एक फ्लो तो था उनके अंदर, चाहे मैं तबला वादक बनूँ ना बनूँ, उनके बाद अंदर एक फ्लो था कि अच्छा सीखना चाहिए और ये सिंसियर है। तो फिर मैंने फिर उन्होंने मुझे पंडित नानकू महाराज जी के पास ले गया। नानकू महाराज जी के पास मैं सीखना शुरू किया, तो मैं जाता था सीखता था। जब कुछ दिन सीखना शुरू किया, जब उन्होंने मेरा गंडा बंधन हुआ, तो उसी दिन से मेरे अंदर अलग कुछ एक महसूस हुआ कि ये अलग चीज़ है, अब मुझे अलग और अलग होना है। घर आने से सीखना और गंडा बंधन होने के बाद सीखना, गुरु को ऐसा एक्सेप्ट करना और उसके बाद त्याग स्वीकार करना और गुरु को अपना लेना, अपने मतलब एक अलग जगह होता है गुरु का। आपने क्या बात कही है, जिस तरह से गुरु शिष्य को अपनाता है, उसी तरह से शिष्य को भी गुरु को अपनाना पड़ता है बहुत। और उसमें सिर्फ सैक्रिफाइस है और कुछ नहीं है, भक्ति, सरेंडर एंड सैक्रिफाइस। वेरी नाइस, बहुत। तो वो सरेंडर और सैक्रिफाइस उस दिन गंडा बंधन के साथ ही मेरे अंदर वो आ गया कि अब तो मैं बस पूरा हो गया, यहाँ अब मैं कहीं नहीं कुछ करना है। तो आप बनारस घराने से संबंध रखते हैं? बनारस घराने में जी। और तो क्योंकि मेरे डैडी भी बनारस घराने से ही सीखे हैं, तो मेरा उसी में रुझान ज्यादा था जी। ऐसा नहीं, हमको समझ भी नहीं था कि दूसरे घराना क्या है, बनारस में क्या है, इतना समझ नहीं था। लेकिन चूंकि डैडी बनारस घराने में बजाते थे और हमारे घर में तो सभी आते थे और मैं सबका ही सुनता था, आज भी मैं किसी का भी सुनता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं कभी हमेशा ही मुझे मैं अपने आप को कम ही मिलता है, मुझे लगता है क्या बात, जवाब नहीं है, बहुत बढ़िया। जैसे मैं नानकू महाराज जी से, पंडित नानकू महाराज जी से मैं सीखना शुरू किया, मैं सीखता रहा, जब करीब करीब 15-1 साल हो गया, तो अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं और एक गुरु के पास सीखूं, लेकिन पता नहीं कभी कोई भी घटना कोई अच्छा टर्न भी लेता है उसका जी। मतलब ये कोई ये नहीं है कि मैं दूसरे गुरु के पास जाऊं तो मेरा ख़राब हो जाएगा या मेरा जो मैं बनने जा रहा था वो नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। जब नानकू महाराज जी से 15-1 साल सीखने के बाद जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका याददाश्त चला गया था, फिर उसके बाद जब तुरंत याददाश्त लौट गया तो वो सिखाने के उसमें नहीं पा रहे थे, तो एक दिन मैंने उनके वाइफ को पूछा, मुझे परमिशन चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, मैं तो उनको गुरु मान लिया, अब ऐसा नहीं मैं छोड़ के चला जाऊँ। तो अंत तक मेरे साथ रिलेशन था, सब कुछ था बढ़िया। तो मैं उनके पूछा मैं क्या करूँ अभी, मुझे तो तबला वादक बनना है। तो उन्होंने बोला तू ऐसा कर, तू महापुरुष के पास चला जा, वो बहुत अच्छा सीखा, पंडित महापुरुष मिश्रा जी। तो उनके पास छोटे थे मेरे महापुरुष गुरु जी, तो तू ऐसा कर तू चला जाओ वहाँ। तो ठीक है मैं चला गया। तो चला गया तो वो बोले कहाँ सीखे, क्या है सब, मैं अपना सब कुछ बताया। तो वो बोले तो परमिशन लेके आए हो ना, मैं बोला हाँ, मुझे उनके वाइफ ने भेजा है और गुरु जी का ये बात है। बोले अच्छा ठीक है आ जाना। तो सीखना शुरू किया और मुझे एक भाग्य है, ऐसा भाग्य है या शुरू से ही मेरे अंदर एक सरेंडर का वो भावना है, सभी गुरु से इतना सीखने को मिला और इतना प्यार मिला, डांट भी मिला, प्यार भी मिला, खूब सेवा भी किया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। सिर्फ तबला नहीं, पूरा जीवन कैसे चलाना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है, आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छा जो एक मतलब इन ऑल रेस्पेक्ट इंसान और आर्टिस्ट अच्छा बनने के लिए क्या क्या, ये सब गुरुजी लोग हमको बहुत तरीके से सिखाया, मतलब और अकेले में, ऐसा नहीं ऐसा भीड़ में बोल दिया और समझना है तो समझ लो, नहीं तो नहीं समझ लो, नहीं बैठ के, क्योंकि बहुत सीधे टाइप का मैं था, उतना घुमा फिरा बात मैं समझता नहीं था। तो उनको ये समझ में आ गया था, ये थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा डायरेक्ट, तो हमको डायरेक्ट बोलते थे। तो जब इनसे सीखना शुरू किया तो देखा ये तो बनारस अलग है। अच्छा, ये भी बनारस घराने से ही थे मगर अलग,
बनारस घराने लगा आपको। उसका रूप अलग है, इनका रूप अलग है, अच्छा? वही वही बोल बज रहा है लेकिन ये अलग रूप से बज रहा है, इनका प्रेजेंटेशन अलग है, इनका प्रेजेंटेशन अलग है। तो पहले पहले तो खूब तकलीफ हुआ, पहले तो वो मैं क्योंकि जो बनारस के जो वो घराना थे पंडित नानकू महाराज जी का जो वो परंपरा है उसमें ओपन बनारस इट्सेल्फ इज ओपन बाज है, पूरब के जो मुख्य तीन घराना है उसमें से एक है बनारस, लखनऊ, फरुखाबाद। तो बनारस का जो ये है कि उसमें थोड़ा ओपन बचता है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जब पंडित महापुरुष मिश्रा जी के पास गए तो वो देखा तो ओपननेस है और साथ में उसमें मॉड्यूलेशन ज़्यादा है। अच्छा, इसमें मॉड्यूलेशन अलग तरीके से हैं, उसमें मॉड्यूलेशन अलग तरीके से हैं। तो फिर इसमें जो है इसमें थोड़ा सा आप गाने के साथ संगत का मजा ले पाएंगे और सितार के साथ सरोद के साथ मजा ले पाएंगे और सोलो भी चल जाएगा, उसमें भी मज़ा है। और यहाँ सोलो बहुत स्ट्रॉन्ग है और डांस के साथ बहुत स्कोप था और मैं तब तक मैं बजाता था डांस के साथ। 15 साल सीखने के बाद तो मुझे ऑफ़र मिलता ही था, तो मैं गुरुजी हमको भेजते थे कहीं कहीं, जा तू आज वहाँ बजा दे, कभी उनके साथ ले जाते थे हमको, तो डांस के साथ तो मैं बजाना शुरू कर दिया था। लेकिन गाने के साथ तो मुझे बजाने का मौका नहीं मिलता था। तो जब हम इनसे सीखना शुरू किया तो देखा हाँ ये मज़ा तो कुछ अलग है, ये तो अलग इसमें मैं क्या इसका शब्द इस्तेमाल करूँ, मिठास वो भी है, मिठास ये भी है। मैं तो बोला सारा घराना में सब एक ही हैं लेकिन सबका रूप अलग है। तो इससे मेरा एक फ़ायदा हुआ कि हम दोनों चीज़ को ले पाए। मैंने इसको मन से सीखा और मन से उस चीज़ को लिया तो वो इतना अच्छे तरीके से हमने उनको अंदर उसको समेटा कि हमारे लिए आज मैं अगर किसी के साथ भी बजाता हूँ मैं वो जस्टिफाई कर पाता हूँ कि कहाँ कैसे बजाना है, ये मेरा फ़ायदा हुआ। बिल्कुल, वाह क्या बात है। मैं जानती हूँ कि आपका बहुत ही ज़्यादा योगदान है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करने में बाहर देश विदेश हर जगह में, आपकी एक संस्था है, तो ये एक पैशन रहा होगा। आई एम प्रीटी श्योर दिस हैज़ बीन अ पैशन ऑफ योर्स टू प्रमोट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इन यू नो नॉट जस्ट योर ओन कंट्री बट ऑल्सो इन फॉरेन लैंड। तो आप मुझे बताइए कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, आपकी क्या संस्था है, आप किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक? मैं बहुत तरीके से मैं आर्टिस्ट घर से नहीं हूँ तो हमें बहुत बहुत तकलीफ़ें झेलना पड़ा लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल्स रही, बहुत स्ट्रगल रहा क्योंकि आसानी से एक्सेप्टेंस मिलना भी मुश्किल है, दूसरी बात है। और इसमें किसी का दोष नहीं है एक्सेप्टेंस मिलना, क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्ट बॉडी में आता है ना तो वो तकलीफ देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एडजस्ट हो जाता है। इवन जो वो पेसमेकर बढ़ता है लगाते हैं किसी के लिए तो वो एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद वो 10 साल जीते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन पहला 6 महीना 8 महीना साल भर उनको काफ़ी बड़ी अच्छी एनालॉजी दी आपने। हाँ नहीं, ये फॉरेन बॉडी है कि अचानक कोई फील्ड में आ जाए तो, और दूसरी बात है उस फील्ड का एक आदब, एक कायदा, उसका एक शिष्टाचार सब कुछ होता है, वो नॉन फील्ड में जो है उनको पता नहीं होता है। मेरे डैडी कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं थे कि उनके हमने गुरु जी से रह के सीखा, उनके पास रहते थे, कभी 7 दिन रहा कभी 10 दिन रहा। चूँकि मेरे डैडी मम्मी हमारे इस प्रोफेशन के सपोर्ट में नहीं थे वो लोग, तो मैंने एक टाइम में ठीक कर लिया था मैं घर से कोई पैसा नहीं लूँगा, तो मैं गुरुजी का पैसा जो मैं देता था मैं ट्यूशन करके देता था, मैं घर से नहीं लिया पैसा कभी। मैं गुरुजी का जो भी उनका पेमेंट बनता था या उनका जो डिमांड पूरा करना होता था, मतलब डिमांड तो नहीं, मतलब जो भी मुझे लगता था, मैं तो उनके पास बेटे जैसा हूँ, मुझे ये देना चाहिए, मुझे परफ्यूम देना चाहिए, मुझे पान देना चाहिए, मुझे उनको कपड़ा देना चाहिए, दुर्गा पूजा में वो देना चाहिए, दिवाली में ये देना चाहिए, घर के लिए हमेशा मिठाई ले जाना चाहिए, तो वो जो सब पैसा मैं ट्यूशन करके कमाता था वो पैसा मैं कभी डैडी से नहीं लेता था, क्योंकि मुझे वो लगता था कि वो तो हमारे इस सपोर्ट में नहीं है तो मैं क्यों उनसे लूँ ये चीज़, तो मैं अलग से लेता था, अलग से ये हम कमाते थे, मैं कमाता था और फिर उस पर फिर मैं
उनको ये सब करता था। तो जब मैं जब मेरा थोड़ा नाम होना शुरू हुआ, मैं जब तो मैं फिर जो नया जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उनके लिए सोचना शुरू कर दिया मैंने। मतलब उनको तो सपोर्ट चाहिए, मुझे तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं जहाँ भी गया, एक टाइम था मैं जिनको भी बोलता था मुझे लेना प्लीज़ बजाने के लिए, तो हमको मैं किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं ले पाऊँगा, ये तो नेशनल लेवल पे ये है, मेरे लिए सभी गुरुजन हैं और मैं अभी भी सबको प्रणाम करता हूँ, उन्हीं आर्टिस्टों को मैं प्रणाम करता हूँ, बैठ चुके। तो हमको बोलते थे रेडियो का ग्रेड है, तो मैं सोचता क्या रेडियो ग्रेड होने से मैं बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट बन जाऊँगा क्या, मैं तो नया फील्ड में आया, अब होगा सब कुछ, लेकिन आप तो लो मुझे, और मैं तो बजा के आ चुका हूँ, मैं बजाया हूँ ऑलरेडी मैं बहुत जनों के साथ। तो एक लालच होता है ना उस उम्र में नया नया, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए पंडित जी, आप आपके साथ में बजाने का इच्छा है। तो कभी ग्रेड, कभी कभी बोलते थे हाँ हाँ अच्छा कोई प्रोग्राम आने दो बस ले लूँगा, और हमको लेते नहीं थे, हम देखते थे हमारे सामने दूसरे सब बजा रहे, और मुझे फील ऐसा होता था कि जो भी बजा रहे मैं तो ठीक ही बजा रहा हूँ, ऐसा फील होता था, हो सकता मैं गलत हूँ उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मिलता था, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जब आज जाके मुझे लेते हैं, आज करते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत कुछ मानना पड़ा, बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, सिर्फ कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ा बस, हर तरह से फिनेंशियल कंप्रोमाइज़ एंड अदर कंप्रोमाइज़। सो वो कंप्रोमाइज़ कर करके फिर आज तक, तो जब मेरा थोड़ा हुआ तो मैं फिर यंग जनरेशन के लिए सोचना शुरू कर दिया। मैं सोचा इतना तकलीफ़ है तो हमको करना चाहिए कुछ, अगर हम 5% भी कर पाए तो वाई नॉट। तो मैं संस्था नाम रखा क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स। हाँ, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स संस्था रखा, रजिस्ट्रेशन किया नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करूँगा वो इतना झमेला, ये करना वो करना कौन करे, चलो मैं ऐसा करूँ हमारा जो साल भर का इनकम होगा उस इनकम से पैसा बचा के रखूँगा मैं, जो भी जहाँ से पैसा मिलता था उनसे 25% मैं हटा के रखता था, कभी 10% कभी 20, घर का जैसा नीड हो तो उस हिसाब से हम 10% कभी 25% मेरे सैलरी से, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, कभी सैलरी से कभी उसे, तो करते करते एक फ़ंड बनता था, तो मैं हॉल बुक करता था, आर्टिस्ट को बुक करता था और प्रोग्राम करता था, और यंग जो अच्छे इन मिनट मैं ढूंढते रहता था कौन अच्छे आर्टिस्ट है, किसको चाहिए, और मैं सिर्फ अच्छे आर्टिस्ट को ही मैं प्रमोट किया। आज तक मैं कभी ऐसा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है मेरे साथ किसी का, मैं बहुत अच्छे मन से मैं अच्छे आर्टिस्ट को करता हूँ, जिनको कि एक जगह चाहिए, मगर जगह चाहिए और वो आएगा, वो उनको अगर मिले ना वो बहुत नाम करेगा, ये मैं नाम लेके बोल सकता हूँ। मैं उन लोगों को आज अच्छा मतलब एक एक्सपोजर तो मिला ही है। आप जब इन सब की बात कर रहे हैं तो I'm pretty sure there has been challenges in doing these things and you have been doing it for many years now, right? वो challenges जो है वो बहुत बड़ा challenges है, artist को बुलाना वो अलग चीज़ है, और उसके बाद artist का expectation जो है ना वो बड़ा tricky होता है, वो शुरू में एक किस्म का होता है, बाद में और एक किस्म का हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंजेस है। इवन मैं वो तो देश की बात कर रहा हूँ, मैंने शुरू में देश के अंदर किया, उसके बाद जब मैं विदेश में करना शुरू किया तो सेम वही मैं ये रखा कि मैं यंग के लिए करूँगा, जो अपकमिंग है, जो अच्छे हैं, हमारा तो यंग क्या शुरू होता है, यंग तो शुरू ही होता है 35 साल के बाद, सही बात, कोई 20 साल का यंग नहीं होता म्यूज़िक में, 35 साल के बाद और कुछ कुछ तो 40 के बाद, तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कोई 35 साल में कोई 40 साल में। तो हमने जब विदेश का शुरू किया तो यह और बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि यहाँ विदेश सुनते ही पहले बहुत इच्छा होता है, चलो चले दादा ले चलिए, दादा ले जाए हमें, दादा हम चलेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो एक्सपेक्टेशन रहता है। अब मैं पहले कोई एग्रीमेंट नहीं होता था मेरा, मैं ऐसे ही लेके आता था, तो जब लेके आता था फिर थोड़ा सा वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फिर मुश्किलात भी होता था, तो जो भी कुछ था, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कभी कभी मैं बहुत दुखी होता था कि इतना मन से मैं कर रहा हूँ, इतने रात जगना पड़ता है, क्योंकि आपके यहाँ जब दिन है हमारे वहाँ मिडनाइट है, और मुझे मिडनाइट में जग के फ़ोन करके एक एक के लिए जस्ट वो कोलगेट बेचना नहीं पड़ता है, ऐसा मैं आर्टिस्ट बेचता हूँ, जैसा कोलगेट ले लो ये अच्छा है, ये मैक्स है, मैक्स वाइट है, ये दांत और सफ़ेद होगा, तो ऐसा मुझे बोलना पड़ता है आप सुनो ये बहुत अच्छे गए,
आप इनका सुनोगे तो आपको पता चलेगा। आप आउटराइटली ऐसा मत बोलो कि नहीं जूनियर आर्टिस्ट है, आप सुनो, डोंट गिव हिम मनी, डोंट गिव अस मनी, यू लिसन टू हिम, इफ यू आर सेटिस्फाइड देन गिव। तो ऐसा करके एक एक को मार्केटिंग करना पड़ता है। और मतलब आज के जनरेशन में इसको मार्केटिंग बोलते हैं, बट एक्चुअली नॉट, हम रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं उनको कि नेचुरली वो यहाँ बैठ के उनको पता नहीं चलता है। कुछ आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मटेरियल नहीं होता है तो वो बता नहीं पाते हैं हमको, उनको हम उतना एग्जाम्पल नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो अच्छे हैं, लेके आता हूँ, उसके बाद सुनते हैं, फिर वो हमको गले में लेते हैं, वो उस वो मेरा एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना सेटिस्फेक्शन है कि मैं बोल नहीं सकता, कभी कभी तो मेरे आँख में आंसू आ जाता है। पंडित जी, हम जानना और ये भी चाह रहे थे कि आपके परिवार में कौन कौन है, परिवार के सपोर्ट के बगैर तो आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल, 93 में मेरी शादी हुई और वो भी कोई संगीतकार के घर से नहीं है, वो शौरबनी सेनगुप्ता नाम है, शी इज़ केमिस्ट फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड एंड, लेकिन मैं शुरू से एक चीज़ देखा उनके अंदर कि तबला, म्यूज़िक, गाना बहुत ही मतलब जानकार हैं। अच्छा, मुझे ये कभी कभी ताज्जुब भी होता था शुरू शुरू में, ये तो ऐसा इस घर में, जबकि उनके घर में इतना म्यूज़िक का कुछ है नहीं, मतलब इतना इंटरेस्ट भी नहीं है मैं देखा, क्योंकि मैं कईयों को रिक्वेस्ट किया चलो प्रोग्राम में चलो, तो बहुत इंटरेस्टेड नहीं जी, है। बट मैं शौरबानी को जब भी बोला प्रोग्राम में जाने के लिए हमेशा चलती हैं, और उसका रिव्यू जो देती है वो बहुत सही देती हैं। अच्छा, कौन अच्छे है, कौन किस जगह में क्या है, कहाँ नहीं मिल रहा है, कहाँ क्या है, इवन संगत डिटेल में बताती हैं। तो इससे मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मैं जब प्रैक्टिस में बैठता हूँ मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती जी, बिल्कुल। जब मैं कुछ, मैं बहुत लिखता भी हूँ म्यूज़िक के ऊपर, बहुत चीज़ के ऊपर मेरा किताब भी है और बहुत आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ मैं, तो मैं जब मैं ये सब काम में जुट जाता हूँ या मैं कभी सुनता हूँ या मैं महीना महीना मैं बाहर रहता हूँ, मैं US कनाडा टूर करता हूँ, यूरोप टूर करता हूँ, तो कभी उनके तरफ से कोई मुझे बाधा नहीं आई। जी जी जी। उसके बाद बेटी आई। अच्छा, 97 में अब वो लंदन तो में, बेटी भी कुछ करती है संगीत का? हाँ, वो पहले गाना सीखी है और गाना सीखने के बाद उनको लगा कि नहीं मुझे डांस सीखना है। अच्छा, तो वो भरतनाट्यम सीखी है। अच्छा, पद्मश्री गीता चंद्रन जी से। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं कर पाई क्योंकि उसके बाद हायर एजुकेशन में चली गई, तो हायर एजुकेशन में हो नहीं पाई, और आजकल वो लंदन में रहती हैं, वहाँ पढ़ाई कर रही हैं, MSc कर रही हैं। जी जी जी। तो ऐसा चलता है, तो हमारे घर के तरफ से बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है, मेरी बेटी की सपोर्ट, मेरी वाइफ की सपोर्ट, तो एकदम टोटली मैं इतना निश्चिंत हूँ, मैं कहीं भी प्रोग्राम में जाऊँ, कितने भी रात को लौटूँ, कितने भी, उनको पता है मुझे क्या चाहिए, क्या कैसे मेरा, तो उस हिसाब से बहुत संतुष्ट हूँ। हाँ, और कामयाबी का बहुत बड़ा सोर्स है। तो आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ बजाकर सुनाएं तो फिर हमारे दर्शक बहुत ही प्रसन्न होंगे। और इसके अलावा जैसा हम बात ही कर रहे थे कि आप बनारस घराना से हैं, हाँ, तो फिर आप ज़रा बनारस घराने का कायदा कुछ इस तरह से अगर हमारे दर्शकों को, हाँ, बताएं तो बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। एक्चुअली तबला बजाने के लिए वो नगमा चाहिए, हमारे पास नगमा नहीं है, बट मैं ऐसे सुनाता हूँ, ऐसे डेमोंस्ट्रेशन ऐसे मैं सुना देता हूँ, तो हाँ नहीं कोई बात नहीं, चलता है। देखिए, हमारे बनारस में एक बहुत ख़ास एक बाट है, बाट और कायदा में बहुत फ़र्क नहीं है, बाट मतलब बाटना बोलते हैं, तो कायदा भी बाटते हैं, उसका विस्तार होता है, तो बाट भी ऐसा बट जाता है, एक से शुरू होता है फिर छोटा 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 बटते जाता है, लेकिन बनारस का खासियत क्या है, वो जो बाट है वो लास्ट में छोटा होते जाता है, उसका फिनिशिंग जो होता जाता है वो छोटा होता जाता है। तो एक थोड़ा सा नमूना दे रहा हूँ मैं, वो है
यहाँ से देखिए इसका बोल कट गया, अब कट के उसका छोटा होता जाएगा, छोटा का फिर बिस्तर होता जाएगा, ठीक है ठीक है, धिन्ना त्रिकट धिन्ना धागे ना, ठीक है तिना अड़ा ठीक है, तिना त्रिकट तिना धागे ना, ठीक है धागे ना, ठीक है तिना अड़ा धागे ना, ठीक है धिना अड़ा धागे ना, ठीक है तिना अड़ा धागे ना, ठीक है धिन अड़ा धागे ना, ठीक है धिना धीघे धिना ठीक है तिना अड़ा धागे ना, ठीक है धिना धीघे धिना ठीक है धिना। बनारस में बहुत जो इम्पोर्टेंटली यूज होता है, बहुत ही विशेष रूप में जो बजता है सोलो के टाइम या जब संगत के टाइम बजे, वो उठान बजता है जी, वो बहुत अहम चीज़ होता है बनारस जी, का जी, जी। वो एक शुरुआत जो होता है बनारस। अब एक बस छोटा सा उठान हमें अगर सुनाए, तीन ताल का, बिल्कुल क्या बात है। ही सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए और हम सबको अपने बारे में बताया और अपने घराने के बारे में बताया, हमें बजाकर भी सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और साथियों, इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं आज की यह कड़ी, सांस्कृतिक सफ़र मानुषी के साथ में। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी यू विद अनदर आर्टिस्ट ऑन द सेम जर्नी, कल्चरल जर्नी विद मानुषी। नमस्कार।